से बात तो करें। मत आया करो मेरे सामने। सालिया, इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे। मगर भाभी, एक बार उसकी बात तो सुन लेती आप। मैं मानती हूं कि उसने बहुत गलतियां की, लेकिन उसे अपने किए की बहुत सजा मिल चुकी है। प्लीज अब उसे और सजा मत दें आप। तो मैं क्या करूं सालिया? ये जब मेरे सामने आती है मुझे लगता है कि ये कातिल है अजमल की। इसी की दुख की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। नहीं भाभी, भाईजान की जिंदगी इतनी थी। जावेद नहीं आया? वो ऑफिस से घर चला गया होगा। अभी तक नाराज है मुझसे? नहीं भाभी, वो किसी से नाराज नहीं होता। आपके सामने सिर्फ इसलिए नहीं आता कि आपको गुजरी बातों की जो तकलीफें हैं वो याद ना आ जाएं। जमीर का मुजरिम किसी अदालत से सजा का मंतजर नहीं होता सालिया। मेरा जमीर तो खुद ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देगा। भाभी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं आपसे। उन्हें तो थी ना, वो यही शिकवा लेकर इस दुनिया से चले गए कि मैंने तुम लोगों को कभी अपने गले से नहीं लगाया। वो कहते रहे, मैं अपनी मनमानियों में ये भूल गई कि वक्त कभी कभी ऐसे पछतावे दामन में डाल देता है जो कभी भी दूर नहीं हो सकते। प्लीज भाभी, ऐसा मत सोचिए। हेलो बाबर, कहाँ गायब हो यार?
कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम फोन मत किया करो। मिलने का बहुत दिल कर रहा है, और कितना इंतजार करवाओगी? मैं नहीं आ सकती बाबर, मैंने बहुत कोशिशें की हैं। यार मैंने तुम्हें तरीका बताया तो था, अगर उस तरीके से आओगी तो किसी को खबर भी नहीं होगी। और अगर पकड़ी गई तो? वैसे भी घर से निकलने पे पाबंदी है, इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं बाबर, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप कब आई? मैं तो अभी आई हूँ। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी इतनी देर से? वो मैं चेंज कर रही थी। चेंज कर रही थी? बातों की आवाजें ना बाहर तक आ रही थी। किससे बातें कर रही थी हैं? खैर अब वो तुम क्या देख रही हो मेरा? अम्मी ने कहा किचन में जाओ फौरन और खाने की तैयारी करो। जी बताती हूँ अम्मी ने। अम्मी आपने उसे फिर फोन दे दिया? तुमने देखा है उसके पास फोन? मैंने देखा ही नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो फिर उसी लड़के से बात कर रही होगी। यार ला मैं क्या करूं इस लड़की का। आपने तो मुझे कहा था कि आप उसका जल्द से जल्द निकाह करा देंगे। हाँ भाई, ये शानी वाला मसला नाना होता तो अब तक मैंने उसका निकाह करवा दिया होता। करा दे अम्मी, नहीं तो ये लड़की ना हमारे हाथ से निकल जाएगी। पता नहीं दरवाजे बंद करके उस लड़के से क्या क्या बातें करती हो, क्या प्लानिंग करती हो हमारे खिलाफ। हाँ करती हूँ सजाद की अम्मी से बात, लेकिन ये नहीं कहेंगी कि इतनी जल्दी निकाह की क्या फिक्र पड़ गई। अरे कोई भी बहाना कर दीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि सजाद की अम्मा मना करेंगी। बल्कि एक काम करते हैं, ये मसला मैं ही हल कर देती हूँ आपका। मैं बात करती हूँ सजाद की अम्मा से। क्या बात करोगी? अरे सुनिए तो मैं क्या बात करूंगी। हेलो, सलाम अलैकुम आंटी, राफिया बोल रही हूँ, तारा की बड़ी बहन। जी जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शानी? जी जी शानी, आप काफी बेहतर है। वो आंटी, आपसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। आपको तो पता है ना कि कितनी बड़ी परेशानी आ गई हमारे घर पर, और शानी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका तो बहुत ही ज्यादा दुख है हम सबको। अजीब वहम हो गया है अम्मी को, तो अजीब जिंदगी और मौत जैसी बातें करती रहती हैं। तारा की रुखसती की भी बहुत फिक्र हो गई है उनको। अरे नहीं नहीं जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ सकती हूँ। जाहिर है इतनी जल्दी आप शादी कैसे कर सकती हैं, लेकिन वो आंटी मैं ये सोच रही थी कि अगर आप तारा और सजाद का निकाह करवा दें तो अम्मी की जरा परेशानी कम हो जाएगी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सोच लीजिए आराम से। जी बहुत शुक्रिया। अम्मी वो अम्मी से तो मैं आपकी बात करा देती, लेकिन असल में वो दवा खा के सोई है ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। जी अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। बुरा ही ना मान जाए। बुरा नहीं तो, जिस तरह से सजाद की अम्मी मुझसे बात कर रही थी लग तो नहीं रहा था कि बुरा मानेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा अम्मी, क्यों परेशान हो? मानी चाहती है कि हम लोग यही रुक जाए। और हानिया रुक जाए, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से चले जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। वो वैसे ही बहुत टूट चुकी हैं, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उनके पास जाओ, बैठो, उनका हौसला बढ़ाओ। अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं जावेद। मुझे अंदाजा है मरियम, लेकिन मेरे उनके करीब जाने से भी उनकी तकलीफ तो दूर नहीं होगी। देखो वो अपने किए पर बहुत नादिम है अब, सुने थोड़ा सा टाइम दो, उनका हौसला बढ़ाओ, उन्हें हमारी जरूरत है जावेद। ठीक है। लॉयर से बात हुई आपकी? हानिया केस शुरू हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। हर कोई मुझे तसल्ली देने के लिए बस यही बोल रहा है। वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं आनिया, मेरी खुशी।
मेरी खुशी की खातिर ही तो इन्होंने खुद को इतनी मुसीबत में डाल लिया। देखो मेरी बात सुनो, मोनी को तो कोई टाल नहीं सकता ना। हमें क्या पता था कि मामू इस तरह से हमें छोड़कर चले जाएंगे या फिर बेला की दोबारा शादी टूट जाएगी। नहीं ना, ये सब खुदा के काम। अगर जावेद की किस्मत में ये आजमाइश लिखी थी तो उसे इस आजमाइश से गुजरना है। खुदा के फैसलों के आगे इंसान सर झुकाने के सिवा और कर भी क्या सकता है। हमारे मामू हमेशा कहा करते थे कि खुदा ने मुझे कोई बेटा नहीं, लेकिन मेरा बेटा जावेद, मैं कहा करती थी कि पराई औलाद कभी अपनी नहीं बनती। मानिए पुरानी बातों को भूल जाए। बेटा यही बातें तो मैं इन्हें समझा रही हूँ कि हम में से कोई नाराज नहीं है इनसे। पहले तुम सब लोगों का बहुत दिल दुखाया है, मुझसे अच्छी तो बेला रही, बाप की जिंदगी में सबसे माफी मांगी उसने। अजमल मुझसे कहा करते थे कि अगर तुम्हें लोगों से माफी मांगने की हिम्मत नहीं है तो खुदा के सामने ही अपने रवैयों की माफी मांगो। मानी आप मेरे लिए माँ जैसी हैं, आप मेरे सामने परेशान होकर मुझे गुनहगार मत करें। माफ कर दो मुझे। मानी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आप मेरे सामने हाथ जोड़ेंगी? ये हाथ मुझे बहुत पहले जोड़ लेने चाहिए थे। अपनी गलतियों का सफर मैंने खुद ही बहुत तवील कर दिया। मानी मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, बल्कि मुझे तो आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। हाँ भाभी, हानिया जावेद जैसे मेरी औलाद है, आपका भी उतना ही हक है इन पर। तो सालिया पे मेरी एक बात मानो। जी कहिए। मेरा घर फिर से आबाद कर दो, तुम लोग दोबारा यहाँ पर आ जाओ, मैं इतने बड़े घर में अकेली नहीं रह पाऊंगी। पर भाभी आप अकेली कब है, बेला है ना आपके साथ, और फिर मैं और हानिया भी आते रहेंगे। और मेरा बेटा, मैं वक्त को वापस मोड़ तो नहीं सकती बेटा, लेकिन शायद तुम लोगों के साथ कुछ साल रहकर अपने पछतावों का कुछ अजाब हल्का कर सकूं। भाभी हम जहां भी रहें, आपके लिए हमारे दिलों में मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। बस बस मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मेरी नजरों के सामने रहो। मैं मरियम से खुद बात करूंगी, मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगी। जी ठीक है मुमानी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बेला, तो भाई हमारा यार अपना बुरा लग रहा है तुम्हें? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने का। बाहर निकलोगी, सबके साथ बैठोगी तो दिल बहल जाएगा। इतना आसान नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी से बात करूं, अपना दिल बहलाऊं। मुमकिन आती है, नफरत होती है खुद से,
ऐसा लगता है कि मैं इस घर की हर एक चीज मेरे पे हंसती है। पैर जिंदगी के जिस मोड़ पर इस वक्त खड़ी हूं ना, वहां से उभरती ही उभरता है। देखो बेला, अगर कुछ कमजोर लोगों ने किसी पुरानी बात की वजह से तुम्हारा हाथ थामने से इनकार किया, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में खुशियों के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए। मुझे खुशी की तलाश नहीं है, ख्वाहिश है। कुछ भी ले लेते, मेरे बाबा की जान लेते, हमें तो बस खुदा की रजा में राजी होना। हौसला करो, अरे अम्मी मैंने तो आपको कहा था ना कि सज्जाद की अम्मी मान जाएंगी, कोई मसला नहीं है, बस वो फोन करेंगी तो आप उनको फाइनल सब चीजें बता दीजिएगा। उनका अपना फोन आया था? हाँ उनका फोन आया था, बस आप डेट और दिन फाइनल कर लें और शानी से बात कर लें। अरे मैं क्या करूँ शानी का, शानी को तो आजकल किसी की परवाह ही नहीं। हाँ वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ, आजकल उसे हर बात पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आ जाता। अरे भाई अब हम जबरदस्ती तो हानिया को उठाकर ला नहीं सकते। अरे जरूरत क्या है उसको उठा के लाने की, मेरी नजर में तो ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया बस। अरे मैं खुद भी तो ये चाहती हूँ कि उस लड़की का हमारे घर में जिक्र भी ना हो, लेकिन क्या करूँ इस शानी का, वो उस लड़की को भूल ही नहीं पा रहा। अम्मी शानी जिन कड़े हालात में से गुजरा है वो कैसे भूल सकता है, और आप भी ये बात मत भूलिएगा शानी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो हानिया और उसके भाई की वजह से हुआ है। अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरी तो आंखें तरस रही हैं उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे देखने को। वैसे अम्मी आप वकील साहब से कहकर उसकी जमानत कैंसिल क्यों नहीं कराती? केस अदालत में चलेगा तभी तो जमानत कैंसिल होगी ना। वैसे वकील कह रहा था कि शानी का बयान काफी है उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे करने के लिए। वैसे अम्मी जो हालात आपने मुझे बताए थे ना उससे तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो आया ही शानी को कत्ल करने की नीयत से था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो लड़का अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा, मनहूस मारा। इंशाल्लाह मैं तो ना झोली फैला फैला कर दुआएं करती हूँ अल्लाह से कि बस उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दे। हाय मेरा भाई किस अजाब में पड़ा। अरे बेटा तुम चाय क्यों बना रही हो, बेला से कह देती वो बना देती। आंटी आप ही ने कहा है ना कि हम सबका घर है, तो फिर अपना काम करने में कैसी प्रॉब्लम। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी के सारे सुख दे। जब तक आपकी और सालिया आंटी की दुआएं मेरे साथ हैं मैं बहुत खुश रहूंगी। मरियम बेटा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा हम सबों को मैं यहाँ रोक लिया? कैसी बातें कर रही हैं, मोहब्बत से रोका है ना आपने, क्यों बुरा लगेगा। बहुत बदकिस्मत हूँ मैं, अपने रिश्तों की कदर ही नहीं कर पाई। जावेद एक बहुत अच्छा बेटा है, तुम्हें खुदा ने एक ऐसे इंसान का साथ दिया है जिसके साथ खुदा खुद है। खुदा तो हम सबके साथ है ना आंटी। बेशक बेशक खुदा सबके साथ है, लेकिन खुदा की कुछ लोगों पे खास इनायत होती है, और जब कोई उन्हें दुख या अजियत देता है तो खुदा अपने शिकंजों में ऐसे जकड़ता है उन्हें कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए आंटी खुदा के अपने फैसले उसकी अपनी हिकमतें, हम तो नहीं समझ सकते उन बातों को, और जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हें पता है बेला की जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों आई हैं? उसने एक साफ दिल रखने वाले इंसान को बहुत दुख दिया। आंटी आप फिक्र ना करें, बेला की जिंदगी में सारी खुशियां लौट के आएंगी।
अच्छा मुझे बताएं, आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, तुम्हारे हाथ की चाय पहले कभी पी नहीं है ना, तो जरूर पीऊंगी। आप पी जाइए, मैं लेकर आती हूँ। भाई के लिए दुआ कर रही हूँ। हाँ बेटा, दुआ तो सबके लिए करती हूँ, लेकिन अपने अल्लाह से अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रही हूँ कि उसे हर मुश्किल मुसीबत परेशानी से बचा कर दे उसे। शानी के बयान के बाद भाई की सजा सख्त हो जाए, है ना? लेकिन मेरा अल्लाह तो है ना, जो सख्तियों को नरमियों में बदलने वाला है, वो तो है ना। मम्मी, अगर भाई को सजा हुई ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखना कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, देखना सब ठीक हो जाएगा। शानी बहुत ढीठ इंसान है, वो अपनी जिद से कभी पीछे नहीं हटेगा। जानती हूँ मैं जाऊंगी उसके पास। क्या? हाँ हाँ बेटा, और सुनो, तुम ये बात किसी से मत कहना, मरियम और जावेद से भी। हो सकता है शानी मेरी लाज रख ले। नहीं अम्मी, आप वहां नहीं जाएंगी, वो लोग आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, ये तो पछतावा नहीं होगा ना? कि नहीं क्या? नहीं, वो लोग आपके साथ बदतमीजी करेंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, कर लेने दो, मैं अपनी अना घर छोड़ जाऊंगी, जो कुछ भी कहेंगे ना सुन लूंगी मैं, कुछ नहीं कहूंगी। अम्मी, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, बल्कि मैं भाई को कहती हूँ, वो ही आपको रोके। अरे हानी, क्या कर रही हो बेटा, पागल हो गई हो तुम? बेटा मुझे जाने दो, हो सकता है इस तरह से मसला हल हो जाए। मुझे जाने दो बेटा, मुझे जाने दो बेटा। इस काबिल नहीं है वो लोग कि आप उनके आगे इल्तिजा करें, आप नहीं जाएंगी। कुछ नहीं होता बेटा, तेरी मजबूरी है, मुझे अपने बच्चे के लिए जाना, अपने बच्चे के लिए जाना। अम्मी चाय पीना। तुमने आज घर नहीं जाना? नहीं अम्मी, मैं यहीं रहूंगी आज।
और बच्चे? बच्चों का स्कूल है, वो नहीं आएंगे। अरे भाई ये क्या तमाशा है, कई महीने हो गए बच्चे यहाँ नहीं आए, आखिर कौन मना करता है उन्हें यहाँ आने से? सभी मना करते हैं। क्या यानी उन्हें यहाँ आने से मना किया जाता है और तुमने कभी मुझे बताया भी नहीं? अमीर रहने दें आप इस बात को बस। क्यों छोड़ूं भाई, क्या नुकसान होता है तुम्हारे बच्चों का मेरे घर आने से? अभी करती हूँ तुम्हारी सास। अम्मी आप बात करेंगी ना तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, रहने दें बस। वैसे बच्चों के बाप ने भी कभी नहीं कहा कि तुम उन्हें साथ लाया करो? उनकी तो आप बात ही मत किया करें, उनका बस चले ना तो वो तो मुझे इस घर में घुसने ना दे। सब खैरियत तो है ना? अम्मी असल में उन सबको लगता है कि आप लोग ना लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ देते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? और तुमने भी खामोशी से सुन लिया। तो मैं क्या करूं, बात तो वो लोग बिल्कुल ठीक ही करते हैं ना। यहाँ से जाने के बाद बच्चे एक एक बात घर में बताते हैं, और अब तो मेरी सास को ये भी पता है कि सादिया की वजह से इन दोनों के झगड़े होते हैं। अरे तो ऐसी बातें तो हर घर में होती हैं। अम्मी उनके घरों में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब सुलझे हुए और पढ़े लिखे लोग हैं। देखे हैं मैंने बड़े पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग, जाकर खुद बात करूंगी ना मैं उनसे। अगर आप बात करेंगी ना तो आइंदा मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी। आप तो चाहती हैं मेरा आना जाना ही बंद हो जाए अपने घर। पागल हो गई है ये, बावली हो गई है क्या? आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। शानी कहाँ जा रहे हो तुम? एक काम से जा। मैं पता है ना डॉक्टर ने तुम्हें ड्राइविंग से मना किया, कहीं नहीं जाओगे तुम, चलो मेरे साथ। देखिए मुझे जाने दें, मेरा जाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं कह रही हूँ अंदर चलो, इधर इधर बैठो, चलो इधर बैठो। देखो शानी मत भूलो कि तुम मौत के मुंह से वापस आए, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती वो अजाब रातें जब जब डॉक्टर तुम्हारी तरफ से ना उम्मीद हो चुके थे। अब तो ठीक हूँ ना मैं, बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना, पूरी जिंदगी हूँ और तो कितना घर पे तो नहीं बैठ सकता। अच्छा ठीक है ना, चले जाना। तो मुझे बताओ जा कहाँ रहे थे? इस बेवफा को लेने जा रहा था, हानिया को मैं खुद लेके आऊँ। भूल जाओ उसे और उनकी फिक्र करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। किनकी बात करें आप? राफिया और तारा की। तारा का निकाह है अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? हाँ बस कुछ उन लोगों को जल्दी थी, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने मान लिया। हाँ लेकिन ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार उन्होंने मंगनी के दौरान तो नहीं किया था। अब फजूल बहस मत करो शानी, मैंने उन्हें हाँ कह दिया। ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। आप मुझे ये बताएं कि आप ही या बच्चे कोई भी मुझसे मिलने मुझे देखने क्यों नहीं आए? ख्याल आ गया तुम्हें उनका? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, सब ठीक तो है ना? राफिया के ससुराल वाले उसके बच्चों को नहीं आने दे रहे और राफिया को भी मना कर रहे हैं, बहुत परेशान है वो, लेकिन हमसे दुख छुपा रही है। आप राफिया आप ही से सब कुछ आराम से पूछें, बारी बारी सबको देख लूंगा, जिंदा हूँ मैं, मरा नहीं हूँ। तुम उस मनहूस को भूलोगे तभी देखोगे ना। खैर तुम अभी राफिया से कोई बात मत करना, मैं जरा सारा मामला देख लूं फिर करते हैं बात। ठीक है। सामने आने से अवॉइड क्यों करती हूँ? उसी में ये क्यों इस तरह से रिएक्ट करती है? खुद को हम सबका मुजरिम समझती है, कहती है कि किसी का सामना नहीं करना चाहती। पागल है,
भाई पागल नहीं है वो, एक ही मोहब्बत करने की बार बार सजा काटी है उसने, इतनी रुसवाइयां मिली है तो उस बेचारी को जिंदगी ही बोझ लगने लगी है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन कोई क्या कर सकता है? अगर आप उसे समझाएंगे, हौसला देंगे तो उसे जिंदगी दोबारा फेस करने की हिम्मत मिल जाएगी। लड़का मेरी बात क्यों नहीं समझता? सना क्या, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, अब पता नहीं हानिया क्या जाके क्या साफ करेगा। चल जा, गेट बंद कर। अरे आप यहाँ पे कैसे आई? अम्मी 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 सर देखे तो सालिया तुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी इतनी जुरत कैसे हुई कि आप यहाँ? निकले यहाँ से, निकल जाए। चले जाए यहाँ से। मैं शानी से मिलने के लिए आई थी। खबरदार, उसका नाम भी लिया ना तो जबान खींच लूंगी। मुझे एक बार उसे मिल लेने दे प्लीज। अरे शुक्र करो कि वो घर पर नहीं है, वरना तुम्हें ऐसी सुनाता कि तुम याद रखती। लेकिन वो कहाँ है इस वक्त? अरे वो जहाँ पे भी गए, आपको इससे क्या है? चले चले बाहर निकले। खुदा के वास्ते मुझे एक बार उससे मिल लेने दे, उससे बात कर लेने दे। आपने सुना नहीं, चली जाए यहाँ से। रक्षंदा बहन मेरी बात तो सुने। अरे निकालो इसे यहाँ से बाहर। जाओ चले, अरे चले, आप, अरे आप चले, चले एक बार बात तो सुन ले। हद होती है भाई, तुम मुंह उठा के चली है। आप यहां क्या कर रहे हैं? गलती से आ गए शायद, और आई तो आई लेकिन अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई है ना? मैं तुमसे मिलने आई थी बेटा। क्या बात है, आज तो आपके लहजे में बड़ी नरमी है। क्या हुआ, अकेले आए? वो पहलवान बेटा नहीं आया आपका साथ में? बेटा बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आई। आपके बेटे को माफ कर दूं यही कहना है? वो किसी गलत इरादे से नहीं आया था तुम्हारे पास, वो तो बस ये चाह रहा था कि तुम हानिया को तलाक दे दो। और वो कभी होगा नहीं, और उसे कह दीजिए अगली बार यहाँ आए तो जिंदा बच के वापस नहीं जाएगा। माफ कर दो उसे बेटा, तुम्हें जान से मारना नहीं चाह रहा था, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं, माफ कर दो उसे। देखिए मेहरबानी है, मेरे सामने हाथ बात नहीं छोड़ो, मुझ पे ना इन चीजों का कोई असर नहीं है। मैं तुम्हारी माँ की जगह बेटा, प्लीज प्लीज मेरी इल्तिजा सुन लो, केस वापस ले लो बेटा। खुद के बेटे की जान से बंजर ना हो तो कैसे मन्नतें करेंगे? और याद है उस दिन जब मैं हानिया को लेने आया तो क्या तेवर दिखाए थे आपने मुझे? वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रही थी और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकती।
क्योंकि मोहब्बत करती है मुझसे। इसी मोहब्बत को तो इब्रत बना दिया तुमने उसके लिए, और जब मोहब्बत इब्रत बन जाए ना, सिवाय पछतावों के और कुछ नहीं रहता बेटा, कुछ नहीं। आप जा सकती हैं यहाँ से, और ये जान लीजिए तुम्हें ये केस कभी वापस नहीं मिलेगा। नहीं बेटा नहीं, ये जुल्म ना करो बेटा। वो जानबूझ कर ऐसा नहीं करना चाह रहा था, ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ हादसा था बेटा। इस बात का फैसला अदालत करे, ओके? खुदा हाफिज़। सुनिए, आपकी हालत देखते हुए ऐसे ख्याल आया कि मैं आपको एक ऑफर दे सकता हूँ। आप चाहती हैं ना मैं केस वापस ले लूँ? ले लूँ। आप उस हानिया को वापस भेज दीजिए, जैसे ही वो वापस आएगी मैं केस वापस ले लूँ। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से किसी घटिया बात की उम्मीद हो सकती? खुदा हाफिज़।